आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कम से कम कितने एमएच का पावर बैंक खरीदना चाहिए, 5000, 10000 या 20000 एमएच। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो पावर बैंक की एमएच जो जितनी होनी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो आपको कैसे गैस करना है, उसके लिए मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। आपको खुद ही गैस हो जाएगा, आप खुद ही पता लगा सकते हो कि कितने एमएच का पावर बैंक आपको खरीदना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो मिनिमम जो बैटरी की कैपेसिटी आ रही है वो है दोस्तों 4000 एमएच, यानी मिनिमम आपको 4000 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है हर एक स्मार्टफोन के अंदर। इसे ज़्यादा भी होती है, किसी में 5000 है, किसी में 6000 एमएच भी है, लेकिन नॉर्मली कम से कम आपको 4000 एमएच की देखने को मिलती है। तो देखिए, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप 10000 एमएच का पावर बैंक खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल टोटल आउटपुट तो मिलती ही नहीं है दोस्तों। किसी भी पावर बैंक में आपको टोटल आउटपुट नहीं मिलती है। 10000 एमएच है तो यहाँ पे आपको 6000 से 7000 एमएच के आउटपुट मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लॉस हो जाता है पावर का जब आप चार्ज करते हो अपने डिवाइस को। उसमें केबल लगती है उसमें भी, या फिर उसके अंदर जो भी सर्किट लगाता है उससे हीट हो जाती है, तो उस तरीके से क्या जो पावर है वो लॉस हो जाती है। तो ओवरऑल आपको 60 से 70% आउटपुट ही मिलती है। आप कितना भी अच्छा पावर बैंक ले लीजिए, 80% से ऊपर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, मोस्टली 70% के आसपास ही रहती है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको 6000 से 7000 एमएच की आउटपुट देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे अगर एक डिवाइस जिसकी 4000 एमएच अगर कैपेसिटी है बैटरी की, उसको चार्ज करते हैं तो वो एक बार ही फुल चार्ज होगा, और दूसरी बार जब आप उसको चार्ज करें दोस्तों तो वो 50% 70% तक ही चार्ज हो, या फिर 80% भी चार्ज हो सकता है। तो दूसरी बार में दोस्तों वो पूरा चार्ज नहीं होगा। वहीं अगर आप बात करते हैं 20000 एमएच वाले पावर बैंक की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट है वो लगभग 12 से 14000 एमएच के बीच में मिल जाती है दोस्तों। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी बैटरी 4000 एमएच की, तो उसको आप कम से कम 3 बार फुल चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, और फोर्थ टाइम वो थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, 50, 70, 80% या फिर हो सकता है 40% के आसपास, जो जितनी भी चार्ज हो, लेकिन कम से कम 3 बार आप फुल चार्ज कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, 10000 एमएच के पावर बैंक में यहाँ पे आपको एक बार फुल चार्ज होगा, जबकि 20000 एमएच के जो पावर बैंक होगा उसमें आपकी जो बैटरी डिवाइस की वो कम से कम 3 बार फुल चार्ज हो जाएगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सिर्फ 10000 एमएच ज़्यादा का पावर बैंक खरीदा है, एक साथ इकट्ठा खरीदा, वो एक ही पावर बैंक में 20000 की पावर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 10000 एमएच के दो पावर बैंक अलग अलग खरीद लें, वहाँ भी ये सेम कंडीशन है, वहाँ भी आप ओवरऑल इस तरह से ही काम करेगा। तो यहाँ पे आपके 3 बार फुल चार्ज हो जाएगा, फोर्थ टाइम भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में जो बैटरी है उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए आपको कम से कम 20000 एमएच का पावर बैंक खरीदना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप 10000 एमएच का पावर बैंक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट का कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कम से कम 20000 एमएच का पावर बैंक खरीदिए आज के टाइम में, बिकॉज जो बैटरी है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, और उसी के साथ में दोस्तों जो पावर बैंक आप खरीद रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हों, जो उनकी बैटरी वो भी फास्ट चार्ज हो रही हो, और जो अगर आप कोई भी डिवाइस उससे चार्ज करो तो वो भी फास्ट चार्ज हो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप 20000 एमएच के पावर बैंक को अगर नॉर्मल चार्ज से चार्ज करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको उसको फुल चार्ज करने में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि अगर आप सुबह लगा के छोड़ोगे तो वो शाम तक कोई जाके फुल चार्ज हो सकता है, उससे भी ज़्यादा टाइम ले ले। तो नॉर्मल चार्ज वाला आप पावर बैंक मत कीजिए। अगर 20000 एमएच या फिर 10000 एमएच का आप खरीद रहे हैं, तो जो 20000 एमएच का पावर बैंक, उसमें कम से कम आपको फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, ताकि आपका जो पावर बैंक हो जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आपको मिनिमम कितने एमएच का पावर बैंक खरीदना चाहिए आज के टाइम में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।